जी, तो चैप्टर वन में जो अभी हमारे पास थ्योरी की कुछ चीज़ें आ रही हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या आ रही है जी, बुक कीपिंग। बुक कीपिंग में क्या करते हैं आप, चीज़ों को जो है वो रिकॉर्ड करते हैं। सिंपल जो आपके पास फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स होती हैं उनको आप लेते हैं और उनको एसेट, लाइबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस, ऑनर, कैपिटल के अंदर जो है उनको कैटेगराइज करके उनको रिकॉर्ड कर लेते हैं उनके सेपरेट सेपरेट अकाउंट के अंदर। इसको आप बुक कीपिंग कहते हैं। जैसे अभी हमने प्रीवियसली कुछ किया था कि हमारे पास एक ट्रांजेक्शन थी और उसको हमने जो है यहाँ पर रिकॉर्ड किया था। ये बेसिकली क्या है, आपके पास बुक कीपिंग आ रही है। एक बुक के अंदर आप इन चीजों को लिखते हैं। उसके बाद हमारे पास क्या आ रहा है, अकाउंटिंग। अकाउंटिंग में क्या होता है कि आपको जो है वो टू काइंड्स ऑफ अकाउंटिंग होती है। एक जो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग होती है, एक मैनेजेरियल अकाउंटिंग होती है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है वो आगे जाकर आप मजीद भी पढ़ेंगे FAR 1 FAR 2 में, जबकि मैनेजेरियल अकाउंटिंग आप CAP 3 के अंदर, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर आप पढ़ेंगे। ठीक है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग होती क्या है, यहाँ पर बेसिकली आप चीज़ों को मेंटेन करते हैं, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को मेंटेन करते हैं, बिजनेस ट्रांजेक्शन को आप लिखते हैं और बताते हैं कि इनकी क्या जो है वो फाइनेंशियल नेचर है। उसके बाद जो है वो आप इनको जो है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर एक पूरे प्रॉपर फॉर्मेट के साथ इनको जो है वो प्रेजेंट करते हो। तो ये हमारे पास फाइनेंशियल अकाउंटिंग होती है, जहाँ से आपको प्रॉफिट एंड लॉस पता चल जाता है, आपको जो है वो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंशन इनकम वो आपके पास आ जाती है, और ये आपके जो स्टेक होल्डर हैं उनके लिए जो है वो ये इंपॉर्टेंट रहती है। अगर अभी चीज़ें नहीं भी समझ आ रही है, आगे जाके आपको डिस्कस की जाएंगी बहुत जगहों के ऊपर। जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे तो ये आप जब वो आप उन चीज़ों से गुजर जाएंगे, इतने मेच्योर हो जाएंगे, दोबारा ये रीड करेंगे तो चीज़ें आपको समझ आ जाएंगी। अच्छा, अकाउंटिंग साइकिल पढ़ते हैं कि जी, पहला स्टेप हम सबसे पहले क्या करते हैं अकाउंटिंग के अंदर, फर्स्ट स्टेप हम ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। ट्रांजेक्शन क्या जी, मैंने मोटरसाइकिल परचेज की कैश के ऊपर, तो ये ट्रांजेक्शन मैंने रिकॉर्ड कर ली। उसके बाद उस ट्रांजेक्शन को क्या करते हैं, बुक में लिखते हैं, जिसे हम बुक ऑफ प्राइम एंट्री कहते हैं। ट्रांजेक्शन को उठाकर जो है वो बुक के अंदर रिकॉर्ड कर लेते हैं और किस तरह एसेट लाइबिलिटी इन कैटेगराइज के अंदर उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं। उसके बाद वहां से वो चीज़ें पिक करते हैं और हम उसको जाकर लेजर के अंदर जाकर जो है वो रिकॉर्ड कर लेते हैं। और लेजर में हम क्या करते हैं कि हर चीज़ का सेपरेट सेपरेट लेजर बनता है, यानी कि रिसीवेबल का सेपरेट, पेएबल का सेपरेट, बैंक का एक अपना सेपरेट लेजर होगा। तो अगर मैं आपको कहूं कि आपने बैंक का टोटल लिखना है तो आप उसको लेजर अकाउंट से भी देख सकते हो, और ये भी देख सकते हो कि उसमें कौन कौन सी ट्रांजेक्शन हुई है, कौन कौन सी वेरिएशन आई है, कब पैसे आए, कब गए, इन तमाम चीज़ों को आप देख सकते हो। तो लेजर और टी अकाउंट जब हम बनाएंगे कंप्लीट डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेजर का एक क्लोजिंग बैलेंस आता है, वो बैलेंस उठाकर हम ट्रायल बैलेंस में लिखते हैं। ट्रायल बैलेंस से वो तमाम चीज़ें और इन्फॉर्मेशन हम उठाकर हम जो है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, जो कि बिल्कुल एक ओवरव्यू होता है। अगर आप किसी भी बिजनेस का ओवरव्यू लेना चाह रहे हैं तो आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखते हैं, जिसके अंदर उसके तमाम हर तरह के एसेट आ रहे होते हैं, हर तरह की लाइबिलिटी आ रही होती है, हर तरह का कैपिटल आ रहा होता है। ठीक है, उसका यानी कि टोटल टोटल आ रहा होता है। आपको ये नहीं बताया गया होता कि इस एसेट के अंदर कौन कौन से एसेट हैं। अगर आप ये भी देखना चाहते हैं मजीद कि इसके अंदर कौन कौन से एसेट है, तो मजीद इन्फॉर्मेशन आपको दी होगी, लेकिन ये पता करना है कि एसेट कब परचेज किया गया, कब सेल किया गया, ये तमाम इन्फॉर्मेशन आपको ट्रायल बैलेंस से मिलेगी। सॉरी, आपको ये तमाम इन्फॉर्मेशन जो है वो लेजर से मिलेगी। लेजर के अंदर ये तमाम चीज़ें पुट होती हैं कि ये कहाँ से ये हुआ। और अगर आप ये चेक करना चाहते हो कि इसका सोर्स क्या है, तो वो आप कहाँ पे जाके देखोगे, ट्रांजैक्शन में जाके देखोगे। ठीक है, नहीं भी समझ आ रही तो आपको आस्ते आस्ते जाके समझ आती रहेगी। एक एग्जांपल से देख लेते हैं। आपने एक बिजनेस जो है वो स्टार्ट किया, हम अज्यूम करते हैं कि जी हमने SC लर्निंग एक ऑनलाइन इंस्टीट्यूट का आगाज़ किया, जहाँ पे हम जो है वो PRC 1 से लेकर PRC 5 तक के ट्रांजेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम ट्रांजेक्शन क्या करेंगे, जिस स्टूडेंट ने हमें पैसे भेजे, अब हम लायबल हैं उसको सर्विस देने के लिए, ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड की। इसी तरह हमारे पास 25-30 बच्चे होंगे, उन सबके हमने ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किए, उन सबको उठाकर हम जो है वो अपनी बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री में लिख देंगे, जहाँ पर हमारे पास आ रहा होगा जी हमारी सेल डे बुक क्या है, परचेज डे बुक क्या है। तो सेल हमने जो की वो सेल डे बुक में जा रही होगी, जो परचेज की वो परचेज डे बुक में जा रही होगी, लैपटॉप्स वगैरह जो हमने परचेज किए, ऑनलाइन सिस्टम्स वगैरह परचेज किए, इंटरनेट जो हमने परचेज किया वो परचेज डे बुक्स में जा रहा होगा। इसी तरह अगर हमने कोई एक्सपेंसेस किए हैं वो उधर जा रहे होंगे, ये तमाम डे बुक्स जो हैं वो बन रही होंगी। तो आगे जाके कंप्लीट डिटेल में डिस्कस करेंगे बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री को। उसके बाद हम जो है वो लेजर बना रहे होंगे, लेजर में हम टी अकाउंट बना रहे होंगे, टी अकाउंट में हम लिख रहे होंगे जी रिसीवेबल, पेएबल, जिसके हमने पैसे रिसीव किए हैं, पेएबल किए हैं, वहाँ से जो हमारे पास रिसीवेबल का एक टोटल आ रहा होगा, पेएबल का टोटल आ रहा होगा, वो ट्रायल बैलेंस में जा रहा होगा, और फिर वहाँ से वो चीज़ें जो है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जा रही होंगी। तो ये आपने जो है वो परेशान नहीं होना, ये आगे जाके ये देखें बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री पूरा एक चैप्टर आपके पास, चैप्टर नंबर 2, इसमें जाके हमने डिटेल में डिस्कस करना है। इससे आपने जो है वो घबराना नहीं है। ये देखें लेजर, ये भी हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है, और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, यहाँ पे जाके इन चीज़ों को भी जो है हमने डिस्कस करना है। तो इन चीज़ों से भी बहुत दफ़ा गुजरना है, मैंने आपको बताया था, अभी सिर्फ एक ओवर रिव्यू दिया है। बिजनेस ट्रांजेक्शन को हम डिस्कस कर चुके हुए थे अपने लेक्चर 1 के अंदर। उसके बाद जो है वो हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन है, जिसके अंदर कुछ सिंपल ट्रांजेक्शन होती है, कुछ कम्प्लेक्स ट्रांजेक्शन। सिंपल ट्रांजेक्शन जैसे ये बाइंग एंड सेलिंग आइटम्स ऑन कैश, ये सिंपल ट्रांजेक्शन है। कम्प्लेक्स ट्रांजेक्शन क्या हो सकती है कि हमने सेलिंग की लेकिन एजेंट के थ्रू, फिर एजेंट को जो है वो हमने उसका
कमीशन भी दिया, और वो सेलिंग सेल जो हमने की है वो हमने इंस्टॉलमेंट बेस के ऊपर की है, और उस इंस्टॉलमेंट के ऊपर इंटरेस्ट भी लगता है, तो ये कॉम्प्लेक्स है। इसी तरह वन ऑफ ट्रांजेक्शन और ऑन गोइंग ट्रांजेक्शन। वन ऑफ ट्रांजेक्शन क्या मतलब, हमने एक लैंड लिया, बाय कर लिया, कहानी खत्म, फैक्ट्री को स्टार्ट करने के लिए एक जमीन ले ली। उसके बाद क्या है ऑन गोइंग, क्या है कि हमने बेसिकली क्या किया है, पेमेंट ऑफ मंथली रेंट, हम जो है वो हर माह रेंट को पे कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी के बिल को, तो ये क्या है ऑन गोइंग ट्रांजेक्शन है। कैपिटल ट्रांजेक्शन क्या है, जो लॉन्ग टर्म नेचर की ट्रांजेक्शन है वो हमारे पास जो है वो कैपिटल आइटम्स है, जो जो शॉर्ट टर्म की है वो हमारे पास रेवेन्यू आइटम्स है। उसी तरह जिस तरह हमारे पास कैपिटल एक्सपेंडिचर था और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर था, यानी कि जो डे टू डे हमारे ऑपरेशन है वो हमारे पास रेवेन्यू एक्सपेंडिचर थे, और जो लॉन्ग टर्म्स के लिए हैं, जो हमारे एसेट की लाइफ को बढ़ा रहे हैं उसमें इंप्रूवमेंट लेकर आ रहे हैं, वो हमारे पास कैपिटल एक्सपेंडिचर थे। और इसको हमने डिटेल में इन तमाम एग्जाम्पल्स के साथ देखा था। अच्छा जी, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो कुछ पांच स्टेटमेंट्स के ऊपर मुश्तमिल होती है। इसमें आपके पास स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, जिसे SOFP भी कहा जाता है, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस भी इसको कहा जाता है, उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी आती है, जो कि अभी आपके लिए एग्जामिनेबल नहीं है, ना आपसे जो है वो पूछा जाएगा। एक और है जी स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, ये भी आपसे यहाँ पे PRC में नहीं पूछी जाएगी, और नोट्स टू दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये भी आपसे नहीं पूछी जाएगी, आपसे सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट और कंप्रीहेंशन इनकम, जिसके हम प्रॉफिट एंड लॉस कहते हैं, इसके बारे में पूछ सकता है। इसके ऊपर कंप्लीट एक चैप्टर है जहां जाकर डिस्कस करेंगे। सिर्फ MCQs के तौर पर ये याद रख लेना कि पांच हैं, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन, स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम, चेंज इन इक्विटी, कैश फ्लो और नोट्स टू दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। उसके बाद से इसको एक्सप्लेन किया, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन को, कंप्रिहेंसिव इनकम को, इसको आगे जाके हमने जो है वो डिटेल में डिस्कस करना है, वहाँ पे इसको इंशाल्लाह एक्सप्लेन करेंगे। उसके कुछ एलिमेंट्स हैं स्टेटमेंट ऑफ, जो आपके पास एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसके अंदर आपके पास, आपको पता है कि एसेट होता है, लाइबिलिटी होती है, आपके पास जो है वो इक्विटी होती है, इनकम होती है, एक्सपेंसेस होते हैं, इनको हम ऑलरेडी जो है वो डिस्कस कर लें। एक आप देख लें कि ये बनती कैसे, ये इस तरह होती है स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। इसमें आपके पास यहाँ पे रेवेन्यू आ रहा होता है, यहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ रही होती है, इसका आंसर लेस करके आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा होता है। अब इसको याद करने की जरूरत नहीं है, आगे जाके जब हम इसके क्वेश्चन कंप्लीट डिटेल में डिस्कस करेंगे तब आपको पता चल जाएगा। लास्ट में बस यहाँ पे आपके पास जो है वो एक नेट प्रॉफिट आ रहा होता है। सिर्फ आपको दिखा रहा हूँ ताकि आपको ये लग जाए कि हमने पहले चैप्टर की थ्योरी कर ली है। तो ये अभी ये सारी स्टेटमेंट आपने हाथों से खुद बनानी है, तो ये आपको पता चल जाएगा किस तरह बनती है। और ये जो है एज एट पे आती है हमारे पास फाइनेंशियल पोजीशन, SOFP जिसे हम कहते हैं। यहाँ पे आप देखें नॉन करंट एसेट में कैटेगराइज किया हुआ है, करंट एसेट में, और ये देखिए यहाँ पे सिर्फ टोटल आ रहा है, लैंड एंड बिल्डिंग का टोटल आ रहा है। हमें नहीं पता हमने साल में कितनी कितनी परचेज की, तो ये सिर्फ एक ओवरव्यू यहाँ पे दिया होता है। तो यहाँ ये जो एसेट का टोटल आ रहा है, एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी, तो ये इसके टोटल के बराबर होगा जो हमारे पास कैपिटल और लाइबिलिटी से आएगा। और इसी तरह कैपिटल को भी यहाँ पे दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, नॉन करंट लाइबिलिटी में और करंट लाइबिलिटी में, और इसको यहाँ पे जो है वो थोड़ा सा एक्सप्लेन किया गया है। इसी तरह कॉस्ट ऑफ कॉस्ट को एक्सप्लेन किया गया है, ग्रॉस अमाउंट को एक्सप्लेन किया गया है, ये तमाम चीज़ें आगे जाके जब हम डिस्कस करेंगे तो आपको स्टेप बाय स्टेप तमाम चीज़ें समझ आती रहेंगी। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे जो है वो सोल ट्रेडर है, पार्टनरशिप बिजनेस है, कोई अकेला बंदा अपना बिजनेस चला रहा है उसको हम सोल ट्रेडर कहते हैं, कोई दो या तीन बंदे मिलकर अपना बिजनेस चला रहे हैं उसे हम पार्टनरशिप बिजनेस कहते हैं। इनको आपने पढ़ लेना है अच्छे तरीके से, ठीक है। यहाँ पे जो बात है वो ये है बस, MCQs के लिए, इनके लिए जो है वो एप्लीकेबल नहीं है। ये सिर्फ टैक्स पर्पस के लिए बनाते हैं, या बैंक से जब इन्होंने लोन लेना होता है तो उस पर्पस के लिए बनाते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अदरवाइज इनके लिए एप्लीकेबल नहीं है। हो सकता है MCQs में आपसे पूछ ले। उसके बाद कंपनीज हैं, कंपनीज के लिए जो है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करना लाजमी होता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन सी, जब भी अभी ऊपर हमने देखी है, क्यों, क्योंकि उनके शेयर होल्डर्स जो होते हैं ना उनको चाहिए होती है। और बाकी जो है इसके तमाम वो प्रोसीजर्स हैं उसके बारे में जो है वो हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करते जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे इसने जो है वो सोल ट्रेडर और पार्टनरशिप बिजनेस को थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है। उसके बाद यहाँ पे कंपनीज को एक्सप्लेन किया है। इसको आप एक दफ़ा बस रीड कर लेना। अच्छा, उसके बाद हमारे पास कुछ IFRS, ये होते हैं इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं, जो कि R2 में आपको ले जाने की इजाज़त भी होगी। ये आप स्टैंडर्ड्स की बड़ी बड़ी बुक्स होंगे जिनको आप ले जा सकते होगे, अपना पेपर दे सकते हो। और कुछ कंपनीज एक्ट होते हैं, इसको आप कंपनी लॉ के अंदर पढ़ोगे डिटेल के अंदर, कंपनीज एक्ट 2017 को, कि ये क्या होते हैं, ठीक है। यानी कि आपके पास जो मेन सोर्स है
इनको चलाने का, वो एक कंपनीज एक्ट्स है और एक IFRS फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स हैं। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स हमारे लिए कंप्लीट डिटेल में रेलिवेंट है यहाँ पर अपना अकाउंटिंग के अंदर। और देख लेते हैं जी कोई अगर थ्योरी यहाँ पर दी हो। अच्छा ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है इसकी इन्फॉर्मेशन किन किन यूज़र्स को होना ज़रूरी है या किस किस यूज़र्स को इनकी इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत होती है? तो इन्वेस्टर्स को, इन्वेस्टर्स को क्यों? क्योंकि वो चीज़ें इनमें इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, कोई चीज़ें जो है वो बाय करते हैं तो इनमें, यानी कि इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं बिज़नेस के अंदर, तो उनकी इन्वेस्टमेंट जो है वो बिज़नेस लेके रखता है, तो इसलिए उनको ज़रूरी है, उनको पता होना चाहिए कि एसेट्स कितने हैं, लायबिलिटी कितनी है, कंपनी कितना डिविडेंड देगी। डिविडेंड क्या होता है कि जब आप शेयर लेते हैं किसी भी कंपनी के तो उसके ऊपर कंपनी आपको एनुअली या जो है वो बीच में 6 माह बाद सेमी एनुअली आपको जो है वो एक अमाउंट पे करती है जिसको हम लोग जो है वो डिविडेंड कहते हैं। एक फाइनल डिविडेंड होता है और एक इंटरिम डिविडेंड होता है। ये अभी बहस नहीं है, आगे जाके मजीद डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ आप इतना समझें कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट किन किन लोगों को उसकी इन्फॉर्मेशन ज़रूरी होती है। एक इन्वेस्टर को, क्योंकि इन्वेस्टर ने देखना होता है हाँ भाई मैं इस कंपनी में पैसे इन्वेस्ट करूँ या ना करूँ, हाँ भाई मैं शेयर लूँ या ना लूँ, तो वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देख के अंदाज़ा लगाता है। एक जो है वो लेंडर साहब जिन्होंने जो है वो देखना होता है कि आया मैं जो हूँ वो इसको लोन दूँ या ना दूँ, और मैं लोन पर जो है वो कितना इंटरेस्ट इससे ले सकूंगा, और रिटर्न पटर्न तमाम चीज़ें। सप्लायर के लिए भी रेलिवेंट होता है क्योंकि सप्लायर ने देखना होता है कि ये आया मैं इसको क्रेडिट पे चीज़ें बेचूंगा तो क्या ये मार्केट में एग्जिस्ट कर सकता है, नहीं ये कल को धोड़ तो नहीं जाएगा। गवर्नमेंट के लिए भी ज़रूरी होता है क्योंकि गवर्नमेंट ने टैक्स वगैरह लगाने होते हैं। इसके अलावा जो है वो पब्लिकली भी जो है वो लोगों को, क्योंकि लोग उस पर रिलाई कर रहे होते हैं, लोग कंपनी की चीज़ें ले रहे होते हैं, कंपनी की प्रोडक्ट ले रहे होते हैं, इसलिए लोगों को भी ये जानना ज़रूरी होता है कि कंपनी जो चीज़ें बना रही है वो सही हैं, क्या ये इन स्टैंडर्ड्स को फुलफ़िल कर रही है, क्या गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ जो हैं उनको फुलफ़िल कर रही है। इसलिए एम्प्लॉयज़ जो वर्कर्स वहाँ पर काम कर रहे थे उनको भी पता होना चाहिए, वो भी देखते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, वो देखते हैं कि हमें वेजेस हाई कब मिलेंगी, हमें जॉब अपॉर्चुनिटी हमारे पास क्या है, हमारा फ्यूचर यहाँ पे सिक्योर है या नहीं है। इसी तरह कस्टमर साहब भी जो हैं वो देखते हैं कि आया जो गुड्स और सर्विसेज मुझे मिल रही हैं ये लॉन्ग टर्म के लिए हैं या नहीं, कल को मिलेंगी या नहीं मिलेंगी, मैं इन पर रिलाई कर सकता हूँ या नहीं कर सकता, ब्रांड लॉयल्टी, वो तमाम चीज़ें यहाँ पे आ जाती हैं। इसी तरह जो मैनेजमेंट वगैरह है वो भी जो है उसको भी ये चीज़ें ज़रूरत होती हैं, वो भी जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर रिलाई करती है। तो ये वो लोग हैं जिनको फाइनेंशियल स्टेटमेंट की इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है। तो अब आपको समझ आ गई कि हम ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्यों बना रहे हैं और ये किसको चाहिए। बेसिक मकसद आपको यहाँ पे समझाने का ये है कि ये इसलिए बनाई जा रही है क्योंकि ये इन इन लोगों को चाहिए होती है, ये इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखते हैं और इनकी बेसिस पे अपने डिसीजन जो है वो लेते हैं। और डबल एंट्रीज़ को हमने डिटेल में देख लिया था, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने इसकी थ्योरी को एक दफ़ा रीड करना है, जो क्वेश्चंस मैंने आपको कराए हैं तमाम क्वेश्चन को करना है। अल्हम्दुलिल्लाह चैप्टर 1 को आज हम खत्म कर चुके हुए हैं। उसके बाद इन MCQs को आपने अच्छे तरीके से देख लेना है, सॉल्व करना है। उसके बाद आपने SC लर्निंग का आके जो है टेस्ट जो है वो टेस्ट आपको अवेलेबल कर देंगे, ठीक है। तो वो टेस्ट आपने जाकर वहाँ पर दे लेना है, अदरवाइज आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा SC लर्निंग का, उसके ऊपर आप कॉन्टैक्ट कर लो, नहीं तो मैं उनको बता दूंगा ग्रुप्स बने हुए वहाँ पर, वो आपसे कॉन्टैक्ट कर लेंगे, तो आपको टेस्ट प्रोवाइड कर देंगे, उस टेस्ट को परफॉर्म करो। लेकिन अभी क्या करो, इसको अच्छे तरीके से तैयार करो इस चैप्टर को, उसके बाद लास्ट में जाकर उस टेस्ट को आप परफॉर्म करो। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।